गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांसों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पांचवें पार्ट के आंतरिक शिखर के तीन प्रश्न जो है वो वर्किंग विथ टेक्स्ट के हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किए थे, आज उससे आगे बढ़े प्रश्न। हालांकि आपने प्रैक्टिस की होगी, देखे होंगे आंसर वगैरह आपको मिले भी होंगे, नहीं भी मिले हैं या कई मिस्टेक्स हुई हैं तो आप जो आज का आपका वीडियो लेक्चर है इसमें आप उनके आंसर जो है वो देख सकते हैं और अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। तो एक एक करके प्रश्न क्या है और उसका आंसर संभावित उत्तर जो है वो क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। पूरे प्रश्न जो है वो 7 के 7 जो है वो आज मैंने करवा दिए हैं, तो एक एक करके जो है वो प्रश्न, पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं क्या पूछा है प्रश्न में और फिर जो है उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिखा है वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर हैम फॉर हैम अलोन। वन डज नॉट डू इट, इट का मतलब है पर्वत पर चढ़ना, पर्वत के शिखर पर चढ़ना। कोई भी व्यक्ति जो है वो पर्वत शिखर पर क्या है वो प्रसिद्धि के लिए है, हैम से फेमस बन रहा है, तो प्रसिद्धि के लिए कोई भी व्यक्ति जो है पर्वत शिखर पर नहीं चढ़ता। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा नहीं होती कि वो उस शिखर पर पहुंच कर जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त करे, इसलिए वो कार्य नहीं करता है। तो क्या होता है, व्हाट इज वन डू इट फॉर रियल, तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति जो है उस पर्वत शिखर पर चढ़ाई क्यों करता है, अगर प्रसिद्धि के लिए नहीं करता है तो वो किस लिए करता है वास्तव में व्यक्ति जो है पर्वत शिखरों पर किस लिए चढ़ते हैं, सभी व्यक्ति जो है क्या वो प्रसिद्धि के लिए जो है वो उसको नहीं चढ़ते हैं, कुछ उनका जो है वो स्वभाव होता है, नेचर होता है ऐसा, उनका जोखिमों का सामना करने का, तो इसलिए वो जो है वो करते हैं। लेकिन इसको एक सेंटेंस के रूप में किस प्रकार से जो है उसका उत्तर दिया जा सकता है, तो देखिए कॉन्क्रीट समिट इज अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट। पहली बात तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है जीतना, विजय पाना। समिट यानी शिखर इज अ ग्रेट फिजिकल यानी शारीरिक अचीवमेंट यानी उपलब्धि। एक शिखर पर चढ़ाई करना, शिखर पर पहुंचना, पहली बात तो एक शारीरिक उपलब्धि होती है, एक बहुत बड़ी ग्रेट, एक बड़ी शारीरिक उपलब्धि मानी जाती है। तो एक बात तो ये होगी कि उसको उपलब्धि होती है कि मैंने जो है वो शिखर पर चढ़ा है। एट द सेम टाइम और उसी समय इट गिव्स द क्लाइंबर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, और उसी समय उसकी चढ़ाई जो है उसका यह ध्यान जो है उसको एक भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करता है, उसके मन को एक भावनात्मक और एक आध्यात्मक संतुष्टि भी प्रदान करता है। क्लाइंबिंग अ हाई पीक सेटिस्फाइज मैन्स इटरनल लॉ ऑफ एडवेंचर, मैंने पहले भी बताया कि मानव का स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है, उसका इटरनल लव होता है, उसका शाश्वत प्रेम होता है कि जोखिमों का सामना करे, साहसिक कार्य को करे। तो इस प्रकार की चोटी पर जो चढ़ाई जो है वो उस मानव की, उस मनुष्य के जो शाश्वत प्रेम होता है, जो साहसिक कार्यों के लिए जो शाश्वत प्रेम इटर्नल लव जो होता है, जो मनुष्य का स्वभाव होता है जोखिम का सामना करने का, उसको वो संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब व्यक्ति उस शिखर पर पहुंचकर संतोष अनुभव करता है, उसको लगता है कि मैं इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच गया हूं, इतनी जोखिमों से, इतने खतरों को जो है पार करते हुए मैं यहां पर पहुंचा। इसमें आध्यात्मिक तत्व भी होता है,
इसमें शारीरिक भी होता है और भावनात्मक भी होता है, तो इससे विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां जो है उस व्यक्ति को जो इस पर चढ़ता है उसको होती है। इसलिए वास्तव में व्यक्ति इस कारण से पर्वत शिखर पर चढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इसको कई प्रकार की भावनाएं जो है वहां से मिलती है, केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं चढ़ते। हाँ, प्रसिद्धि कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण जो है प्रसिद्धि के लिए ही चढ़ते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो जो दारू छोटे प्रश्न का आंसर था। पांचवा जो है, ई बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जब व्यक्ति पर्वत शिखर पर पहुंचता है, माउंट एवरेस्ट जैसे शिखर पर पहुंचता है, तो व्यक्ति को एक अपने तुच्छपन की, स्मॉलनेस की अनुभूति होती है। उसको लगता है कि मैं एक इस संसार में एक तुच्छ प्राणी हूं, मेरा वजूद जो है वो एक तुच्छ प्राणी का है। इस संसार में, इस संसार में मैं सबसे छोटा जो है वो प्राणी हूं, मैं बहुत तुच्छ स्मॉल हूं, ऐसा उसको आभास होता है वहां पर पहुंचने के बाद। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। और ये जागरूकता है, ये जो उसके मन में भाव आता है, ये उसके मन में जो भाव आता है, तुच्छपन का जो भाव आता है उसके मन में, ये तो आपके पाठ के इस पहले पैराग्राफ में आई एक भावना की ओर संकेत करते हैं। पहले पैराग्राफ में एक भावना की ओर संकेत किया गया है, कि एक भावना का उल्लेख किया गया है, विशेष प्रकार की भावना उस चढ़ाई करने वाले के मन में आती है, सबसे प्रमुख भावना होती है, उसकी ओर ये चीज जो है वो संकेत करती है। जब व्यक्ति को मालूम होता है कि वो कुछ व्यक्ति है, तो वो भावना कौन सी है, विच इज द इमोशन, उस भावना के बारे में आपको बताना है। तो वो भावना है, मैंने पहले बताया था कि वहां पर पहुंचने के बाद सबसे प्रमुख भावना जो मन में आती है वो भावना होती है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता की भावना आती है व्यक्ति के मन में कि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ इस संसार में, और मुझे सभी लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। विनम्रता जो है वो सबसे प्रमुख भावना मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। What were the symbols of reverence left by the members of the team of Everest? देखो, हमने प्रोसेसिंग किया था, जो दल था, दल के कुछ सदस्य जो थे, उन्होंने जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने श्रद्धावलक होकर के अपने देवताओं के, अपने देवताओं के कुछ निशान जो है वो वहाँ पर छोड़े थे। मैंने बताया था, एक एक का बताया था, उसने वो छोड़ा, उसने वो छोड़ा, तो कौन कौन से चिन्ह जो है वो उस टीम के द्वारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो टीम थी उनके सदस्यों द्वारा कौन कौन से प्रतीक जो है, सिंबल्स जो है वहाँ पर छोड़े गए थे। तो लिखा है, द मेंबर्स ऑफ द टीम लेफ्ट फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ रेफरेंस ऑन माउंट एवरेस्ट। तो टीम के सदस्यों ने माउंट एवरेस्ट पर निम्नलिखित श्रद्धा के चिन्ह जो है वो छोड़े। उसमें पहला था एपिक्स ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की एक तस्वीर, एपिक्स ऑफ गोडेस, दुर्गा माँ दुर्गा की एक तस्वीर, ए रिलीफ ऑफ बुद्ध, बुद्ध के अवशेष निशान, क्रोस, एक क्रोस ईसाइयों का धार्मिक प्रतीक माना जाता है। ये चीजें जो है हम लोगों ने, उस टीम के सदस्यों ने वहां पर छोड़ी। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। लेखक के अनुसार उसके एक एवरेस्ट विजेता के रूप में उसका अनुभव, लेखक का एक एवरेस्ट विजेता के रूप में अनुभव उसको क्या सिखाता है। एवरेस्ट पर उसने चढ़ाई की, एवरेस्ट को विजय किया उसने,
तो इससे उनको क्या समझ में आया, वे क्या सीखे जीवन में, उनको क्या समझ आई, क्या उन्होंने सीखा इस साहसिक कार्य से, तो वो जो है इसका आंसर हो सकता है। लिखा भी है लास्ट में, द राइटर्स एक्सपीरियंस टॉट हिम द सेंस ऑफ द इंस्पायरेशन टू फेस द डिफिकल्टीज विद स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन। ये लास्ट में लिखा था, मैं बताया था आपको कि इससे लेखक के इसके अनुभव से लेखक ने कठिनाइयों का मजबूती के साथ सामना करने की प्रेरणा सीखी। एक तो उनको प्रेरणा प्राप्त हुई थी कि कितनी भी कठिनाइयां आए तो उसका दृढ़ता से सामना करो, ये एक बात उसने सीखी। क्योंकि पर्वत शिखर पर चढ़ने में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, और कठिनाइयों को जब व्यक्ति पार कर लेता है तो शिखर पर पहुंच जाता है, और ये व्यक्ति पहुंच गया था, इससे ये अनुभव प्राप्त हुआ उसको कि कैसी भी परेशानियां आए व्यक्ति को उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। इट ऑल्सो टॉट हिम टू लुक विदिन, लेकिन लास्ट में बताया था कि व्यक्ति को उसके आंतरिक शिखर पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो ये भी उसको अनुभव हुआ था, लेखक को अनुभव हुआ था कि व्यक्ति को अपने आंतरिक मन में भी झांकना चाहिए। तो उसको उसने ये भी सीखा था अपने अंदर झांकना, अपने आंतरिक जो शिखर है मन का उसके अंदर झांकना भी व्यक्ति ने जो है वो अपने इस अनुभव से सीखा था। तो ये जो है वो आपके वर्किंग विद टेक्स्ट के कुछ प्रश्न जो थे उनके आंसर, सात प्रश्न थे, सात प्रश्नों के उत्तर अपने लिख दी। अब इससे नेक्स्ट जो है कुछ और क्वेश्चंस हैं, दूसरे टाइप के हैं वो, तो उनको हम इस वीडियो लेक्चर में नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तीन प्रश्न कल किए थे और चार प्रश्न आज है, सात प्रश्न है टोटल। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसको सुंदर राइटिंग में जमाते हुए, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था लिखने का, उस तरीके से आप अपनी कॉपी में करें। और कॉपी में काम ऐसा हो जिसको आप कभी भी देखें, चाहे परीक्षा के समय आप देखें खुल करके, तो आपको व्यवस्थित आप उनको पढ़ पाओ, समझ पाओ, ऐसे सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करें। और मेरी इच्छा है कि आपको जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जिनके आंसर जो लिखवाए जा रहे हैं आपको, आप उनको साथ साथ लर्न करते रहें, सीखते रहें। देखो जब हम काम नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, और फिर लास्ट में जब हम उनको सीखने का याद करने का प्रयास करते हैं तो कार्य बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा कार्य लगता है अपने सामने, ढेर होता है कार्यों का, और फिर उससे हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि इतना सारा नहीं होगा, इतना सारा कैसे होगा, तो ये बातें फिर हो जाती हैं। इसलिए मैं शुरुआत से ही आपको कहते आ रहा हूँ कि आप प्रत्येक वीडियो लेक्चर में जो काम करवाया जा रहा है वो उसी टाइम तैयार करें, और इस तरीके से करें कि आपको उसको वापस देखने की ज़रूरत न पड़े, इतना बढ़िया तरीके से करें। तो कल प्रश्न मैंने तीन करवाए थे, उनके आंसर आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो पहले उनके तीन प्रश्नों के उत्तर उनके सीख लें, लर्न कर लें, समझ लें कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर क्या हो सकता है, पाठ के अनुसार क्या पैटर्न है, किस हिसाब से लिखा, क्या क्या चीज़ें लिखी है उसमें, किस प्रकार से लिखनी है, वो समझ लें। और उन तीन प्रश्नों को करने के बाद जो है वो ये चार प्रश्न जो है वो लर्न करें, साथ में तीन ना हो तो दो करें, दो दो करके कर लें, लेकिन लर्न जरूर करें, कॉपी में रख करके उनको छोड़े नहीं, जिससे कि आपको जो है वो परेशानी ना हो और आपका किया हुआ जो है वो सार्थक, उसका कुछ मतलब निकले। जब लिखने से कुछ भी नहीं होता है, कॉपियाँ भर जाती है और फिर लास्ट में जो है वो बेच दी जाती है, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। तो आप मेहनत कर रहे हो, लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, तो वो समझ करके लिखें और याद भी साथ में करें, ताकि वो आगे आपके काम आए और
आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ इन्हीं आशाओं के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।